Hi everyone, I'm Pankaj. I'm a second year MBBS student at AIIMS Jodhpur. I'm here just to help you, just to guide you, motivate you in your entire medical or NEET preparation journey so that you guys can achieve a good medical college and a good medical seat. Before starting the video, I would like to say just two lines that never ever give up. Never ever give up, क्योंकि dream complete ना हो और हम बीच में ही अगर रास्ता छोड़ देते हैं तो रिग्रेट्स जो हैं वो हमेशा अपने साथ रहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. फिजिक्स मोस्ट हॉरिफाइंग एंड आई विल से मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो. फिजिक्स में 150 नंबर लाने कैसे हैं? हालांकि फिजिक्स में 150 प्लस स्कोर करना इज नॉट सो ईजी वर्क. वी कैन सी फ्रॉम पास्ट पेपर्स लाइक 2021 उसका लेवल जो है अचानक से यहाँ से उठ के यहाँ तक आ गया था. और सेक्शन बी वो जो मोर टेरिफाइंग राइट. हालांकि पर्सन टू पर्सन चॉइस होती है कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कौन सा इंटरेस्टिंग लगता है, बट मानकर चलो फिजिक्स के बिना आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ऑलमोस्ट मिल है अगर आपको एक अच्छी मेडिकल कॉलेज चाहिए तो राइट. अगर आपका फिजिक्स में 150 प्लस 160 प्लस 130 प्लस तक स्कोर आ रहा है और आपकी फिजिक्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री अच्छी है तो चल जाएगा काम. हालांकि बायोलॉजी में 340 प्लस लाना अब तो मजबूरी बन चुकी है क्योंकि हर बच्चे की चाहे वो सिलेक्शन हो या ना हो 400 नंबर हैं तो उसके 320 340 ना नंबर जो वो बायोलॉजी के हैं. तो अपनी ब्रेन के टिश्यू सेल्स को समझा लो कि भैया बायो में तो कुछ भी हो जाए हमें 340 350 प्लस स्कोर करना है, एनसीईआरटी को ख़त्म करके जाना है राइट. सो फिजिक्स में आपको स्टेप वाइज चलना है. अगर आप एकदम से सब कुछ क्रैप करने की कोशिश करोगे तो चीज़ें याद नहीं होंगी, मेमोराइज नहीं होंगी. स्टेप वाइज चलना है. अगर आपको बच्चे फे जो 8-9-10 महीने जो भी हैं, हालांकि आपको सिलेबस कवरने का टाइम जो है वो मुश्किल से 8-9 महीने होता है, बाकी आपको अगर एक साल में प्रॉपर रिवीजन करके ही जाना है तो आपको सिलेबस जो थोड़ा सा जल्दी कवर करके रिवीजन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा राइट. पॉइंट नंबर फर्स्ट, सबसे पहला पॉइंट नोट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर फिजिक्स. बायोलॉजी में आप नोट्स बनाओ ना बनाओ आपके ऊपर. मैंने भी नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने एनसीईआरटी जो थी डायरेक्ट रीड की थी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एनसीईआरटी के साइड में लिख लिए थे. बट फिजिक्स में ऐसा नहीं चलता. फिजिक्स में आप एनसीईआरटी के सारे थोड़े ना दे सकते हो राइट. और एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आते हैं आई एक्सेप्ट, बट डायरेक्ट नहीं आते, इनडायरेक्ट आते हैं. उसकी बातें हम बाद में करेंगे. सो नोट्स बनाना मस्ट है. जब टीचर आपका क्वेश्चन लिखवा रहा हो, जब आपको चीज़ें पढ़ा रहा हो, कंसेप्ट समझा रहा हो, तो प्रॉपर उसके नोट्स बनाओ. ये सबसे मस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उन नोट्स में क्या क्या इंक्लूड करना है ये आपका काम नहीं है, टीचर का काम है. टीचर जो है बेटर तरीके से आपको समझा भी देगा. किसी के नोट्स को फॉलो नहीं करना है. मैंने मेरे नोट्स टेलीग्राम पर डाले हुए हैं, आप जाके देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो. बट उसकी दिक्कत ये है ना कि आप मेरे नोट्स को रीड करके उसके डायरेक्ट क्वेश्चन पिक करके क्वेश्चन सोल्व करो, ना कि केवल नोट्स को लेके बैठ जाओ और अपन जो नोट्स आप ये सोचो कि भैया कि नोट्स तो मिलेगा या करना क्या है, हमें नोट्स रीड तो करने नहीं. खुद के नोट्स बनाओ और टीचर जो भी लिखवा रहे उसको अच्छे से लिखो, चाहे थ्योरी का पॉइंट हो चाहे कोई भी पॉइंट हो. मेरे नोट्स से केवल आप क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन प्रैक्टिस आप ले सकते हो और किसी के नोट्स फॉलो करने की नीड नहीं है. सेकंड पॉइंट इज कंसेप्ट बिल्डअप करना बहुत जरूरी है. कई बार ऐसा होता है ना कि अपन नोट्स के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अच्छे अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, अपन लिखते जा रहे, टीचर बोलता जा रहे, लिखते जा रहे, उसमें पूरा अपन को स्टेप्स देख लिए, सारा याद हो गया. मॉक टेस्ट या मॉक टेस्ट में अगर नोटबुक के क्वेश्चन आए तो अपन से क्वेश्चन सारे हो जाते हैं, लिटरली हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उस वक्त टीचर करवा रहा होता है, टीचर्स के स्टेप्स जो है हमें माइंड में छप रहे होते हैं लिखते वक्त. अब नोट्स लिखने का यही फायदा है, एटलीस्ट जो टीचर ने नोट्स करवाए और नोट्स प्रोबेबली क्वेश्चन से डायरेक्ट लिंक होते हैं नीट के पेपर के, तो वो नोट्स करवा रहा है उसकी क्वेश्चन जो वो डायरेक्ट आ रहे हैं अपन को माइंड में छपते जा रहे हैं. लेकिन थोड़ा सा भी क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया, उसकी लैंग्वेज चेंज हो गया आई और क्वेश्चन का कंसेप्ट थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो अपन वहीं खेल खत्म हो जाता है. स्टेप्स तो याद हो गए, आपको कंसेप्ट याद नहीं हुआ, कंसेप्ट समझ में नहीं आया. सो क्वेश्चंस को रीड या फिर उसको बार बार रट्टा लगाने के बजाय अपने कंसेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दो. और वो कैसे बिल्डअप होंगे? थर्ड पॉइंट, बेसिक्स लाइक आपके वेक्टर आपका हर चैप्टर में यूज होता है. वेक्टर, बेसिक मैथमेटिक्स, ग्राफ्स, ट्रिग्नोमेट्री, वैल्यूज, ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद करना सबसे पहले है. बेस है, बेस समझ रहे हो? किसी भी बिल्डिंग का बेस ही उसकी लाइफ टाइम को डिसाइड करता है, उसकी वर्कआउट को डिसाइड करता है कि वो कितनी देर टिकने वाली है. अगर आपके कई बार ऐसा होता है लाइक क्वेश्चन प्रिज्म, रे ऑप्टिक्स में एक क्वेश्चन आता है प्रिज्म.
अब प्रिज में बहुत सारी मतलब आइडेंटिटी लगती है ट्रिग्नोमेट्रिक, लाइक आपने पूरा क्वेश्चन आता है, पूरा क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर लिए, चार स्टेप का क्वेश्चन है, तीन स्टेप आपने कंप्लीट कर लिए, और वो क्वेश्चन जो थोड़ा लेंथी है, मान लीजिए 2 मिनट का क्वेश्चन है, और 2 मिनट में आपने 1.5 मिनट पूरा दे दिया उस क्वेश्चन को अच्छे से 3 स्टेप कंप्लीट करने के लिए, चौथे स्टेप में आपके एक ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी लग रही है साइन 2a, उसको खोल के बताओ। अब साइन 2a का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आपके 1.5 मिनट खराब हुए, वो अलग, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी वो अलग, क्वेश्चन सोल्व हुआ वो क्वेश्चन भी सोल्व नहीं हुआ। तो आप समझ रहे हो ना कि ये सब चीज़ें कितनी मस्ट हैं आपको, अगर आपको क्वेश्चन आपने सोल्व करना है स्पेशली फिजिक्स में, तो आपके बेसिक्स के जो बेसिक बेसिक पॉइंट है लाइक ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ्स सब कुछ आपको मेन प्रॉपर तरीके से स्टेप वाइज याद होने जरूरी है, राइट। वैल्यू लाइक आर की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू क्या है, और ये सारी जो है यूनिट्स हुई, ये सारे चैप्टर्स के साथ रीड करते चलो, एक साथ रीड करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पॉइंट नंबर 4th, कुछ फिजिक्स में मेनली आपके 2 तरीके के जो चैप्टर्स पाए जाते हैं, मेनली एक ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनका यूज आपको अदर चैप्टर्स में मिलेगा, और एक दूसरे चैप्टर्स ग्रुप वाले वो होते हैं जिनकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है, लाइक आपके ऑप्टिक्स हो गया, ऑप्टिक्स अपना एक पूरा यूनिट जो है 4 से 5 क्वेश्चन कैरी करता है, वो अपना अलग होता है, अलग ही रखा होता है, राइट। ऑटर्स है लाइक NLM, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, काइनेमेटिक्स का पूरा पार्ट, 1D 2D, ये सारे कुछ ऐसे चैप्टर हैं, डायनेमिक्स वाला पार्ट, जो आपके हर एक 11th और 12th वाले चैप्टर्स में अच्छे से यूज होंगे। तो आपकी काइनेमेटिक्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इनकी आप कोशिश करो कि इनके सारे क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस तो छोड़ो, क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली डायरेक्ट यूज नहीं होंगे अदर चैप्टर्स में, बट उनके कंसेप्ट मस्ट हैं, वो जरूर आपके अदर चैप्टर्स में यूज होंगे। द लास्ट पॉइंट फॉर टूडेज टॉपिक, नॉट फॉर दिस फिजिक्स, लास्ट पॉइंट जो है वो है आपका शॉर्ट नोट्स, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, देखने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है। शॉर्ट नोट्स सबसे मस्ट होते हैं, सबसे मस्ट है, इन 5 पॉइंट्स में आपके सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। दो तरीके से बना सकते हो, फर्स्टली जब आप टीचर लिखवा रहा है उसके फॉर्मूला निकाले, साइड में रख दिए, बट केवल फॉर्मूला से आपका काम चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? सिंपल सी बात है, फॉर्मूलाज तो हम जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं, समझा रहा होता है टीचर, जब भी याद हो जाते हैं, तो फिर शॉर्ट नोट्स बनाने का फायदा क्या है? आपको चीज़ें बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएंगे अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हो तो। लेकिन शॉर्ट नोट्स में केवल फॉर्मूला नहीं लिखना है, उसके अंदर पॉइंट्स टू पोंडर, जो NCERT के इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ऑब्वियसली NCERT पढ़ना 1 साल के अंदर चारों फिजिक्स की टफ जॉब है, राइट। तो उसके अंदर पॉइंट्स टू पोंडर कवर करना बहुत जरूरी है। सेकेंड, जितने भी ग्राफ्स बहुत जरूरी है, अब जो बताने जा रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, रिवीजन करने का और मिस्टेक्स को सुधारने का सबसे बेस्ट मेथड है ये शॉर्ट नोट्स के अंदर। जो क्वेश्चन आपके, ऑब्वियसली रिवीजन सबसे ज़्यादा नोट्स से करते हो ना आप, तो नोट्स के जो क्वेश्चन आपको नहीं आते, वो क्वेश्चन के नंबर या फिर आपने जो बुक सोल्व करते हो उसके नंबर आप अपने शॉर्ट नोट्स के एक अलग हेडिंग, यानी कि आपका ये पूरा पेज है और यहाँ पे आपके शो नोट्स चले हुए हैं, तो इस कॉर्नर पे आप यहाँ पे नंबर लिख सकते हो कि हाँ मेरा इस नोटबुक के, यानी कि फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की इस क्वेश्चन को मेरे को नंबर नहीं आता, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3rd नहीं आता, 11th नहीं आता, 20 नहीं आता और 25th नहीं आता। ये 4 आपकी वीकनेस आपके फिजिक्स में इन चैप्टर्स के, इस कंसेप्ट्स के। तो भैया जब भी शो नोट्स आपको रिवाइज करना हो, आप उस कॉन्सेप्ट्स को, इस क्वेश्चंस को दोबारा जाके नोटबुक खोल के, उनको देख के, उनको सोल्व करके तब जाके रिवाइज करो। इससे आपकी मिस्टेक्स जो है ना वो आपकी सुधर जाएंगी, राइट। तो शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर अपन बचे हुए पॉइंट्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। क्लासेज ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, और अभी तक आपने अगर कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो रैंकर्स प्राइम बैच उड़ान प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट हो चुका है। कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, लाइक आपको पढ़ाने वाले डॉक्टर्स होंगे, बायोलॉजी आपको डॉक्टर्स पढ़ाएंगे, आपको रिविजन्स के लिए हैंडमेड्स अच्छे से वेल रिटन नोट्स मिलेंगे, उसके अंदर रिविजन की प्रॉपर रिविजन करवाया जाएगा, जिसमें आपके 4 से 5 बार नई मेथड्स के अकॉर्डिंग रिविजन हो गए, यानी कंप्लीट ईयर में आपका 4 से 5 बार रिविजन हो चुका होगा। जनवरी टू फरवरी के आसपास आपका सिलेबस जो हो कंप्लीट हो चुका होगा, और अच्छे अच्छे टीचर्स होंगे जो आपको अच्छे से आपकी क्वेरीज होंगी। एक अलग आपका टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा जिसके अंदर आपको 24x7 आपकी क्वेरीज ली जाएंगी, राइट।
मेडिफ्लिक्स का ये फायदा कि अगर आपने कोई चैप्टर ज्वाइन कर लिया है, चैप्टर आपको अच्छे से कंप्लीट कर लिया और उसको रिवाइज करना है, तो वो रिविजन जो वीडियोज़ हैं वो मुश्किल से 1 घंटे के होते हैं पर चैप्टर के, आप रिवाइज करके इजीली चीज़ें जो हैं वो रिटेन कर सकते हो। और अगर आपने कोई भी कोर्स ज्वाइन कर रखा है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, उसमें कंफर्टेबल, तो अच्छे से उन चीज़ों को रीड करो। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। कोई भी कोचिंग ज्वाइन करो, पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेल्फ स्टडी सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है और गिव अप नहीं करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, नेवर एवर गिव अप, राइट? क्योंकि रिग्रेट जो है वो फिर हमेशा रह जाता है। अदर वीडियोज़ के लिंक जो हैं, लाइक मेरे टाइम टेबल क्या था या फिर मेरी स्टोरीज क्या है, उसके लिंक मैंने नीचे डाल दिया है। और इंस्टाग्राम पर अगर आप फॉलो करना चाहते हो, आपकी कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हो। फिलहाल तो क्या है कि मैं थर्ड सेमेस्टर जो शुरू हो चुका है, सेकेंड ईयर में अभी प्रमोट हुआ हूँ, तो अभी थोड़ा सा टाइम है मेरे पास कि आप लोगों की क्वेरी अच्छे से ले सकूँ। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जब तक कल, पॉसिबली कल तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में अपन इस वीडियोज़ के नेक्स्ट कुछ पार्ट्स, कुछ पॉइंट्स जो हम बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।